अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हूँ। थोड़ा सा मैं लेट हो गई ब्लॉग डालने में ये वाला, जी हाँ मुझे पता है, पर मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप्स ली हूँ तो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ। ईद की नमाज़ का थोड़ा सा शूट किया था मैंने, थोड़ा बहुत सुबह का था तो, और ये कितनी रश है और ये लोग जा रहे हैं, इतना खूबसूरत लग रहा था और पूरा जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही मज़ा आया वहाँ की ईद मनाकर, मदीना की ईद मनाकर। अभी हम शाम को समझिए ना 4-5 बजे के समय जा रहे हैं थोड़ा सा खाना खाने के लिए, तो सोचा यहीं से ही हरम शरीफ से होते हुए निकले, लेकिन इतनी धूप थी बाप रे बाप। और तब भी मुझे लगा कि नमाज के बाद सबके सब निकल जाएंगे, हम लोग ही रहेंगे 2-4 लोग, ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी गलत फहमी थी। इतनी हार्श लाइट है कि आंखें भी नहीं खुल रही है, या अल्लाह। आरफू ये बात कितनी धूप है यहाँ। चलो नमाज पढ़ लेते हैं कहीं, आप पढ़ लो फिर बच्चे, छांव देख लो यार। हाँ वहीं चलो, हाँ कूलर्स है ना वहाँ पर, पानी आगे मेरे को भी पानी चाहिए, जमजम मिलेगा। ये सारे माशाल्लाह गेट्स हैं, सारे गेट नंबर्स लिखे हुए हैं, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है। और ये है लेडीज का सेक्शन, बाहर भी और अंदर भी लेडीज का ही सेक्शन है। ये आया मेरा गेट, यूजुअली मैं इसी से घुसती थी अंदर। माशाल्लाह हमने खाना नहीं खाया था दोपहर का, तो सोचा कि हम मॉल आके क्विकली खाना खा लेते हैं, सो बस वही खाने आए। तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ और अरफात और अजहान गए हैं लेने के लिए। अच्छा यहाँ ये है कि हम बहुत लेट हो गए आज खाना खाने में बस, और बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसी के लिए मैं वेट कर रही थी कि खाना जल्दी आए और हम खा लें। क्या लाए फिर आप? शवरमा आ गया, काय का है शवरमा, ओके, चिकन और मटन, पेप्सी का है, ब्लू भी मटन के, चिकन नॉन वेज। क्वालिटी बहुत अच्छी है, नॉट बैड, अच्छा है। और इनका जो सैलेड है वो बहुत अच्छा है, सैलेड इसमें डाला हुआ है वो बहुत अच्छा है। जो सैलेड का टेस्ट है वो बहुत अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें सैलेड का टेस्ट। ये पिज्जा था ठीक ही था, नॉट बैड, इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे हम एज इट इज़, वो बहुत अच्छा था तो उससे पेट भर गया था, बस ये थोड़ा बहुत खा के निकल चले हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए फिर से, मगरिब की नमाज़। लेकिन मुझे लगा था कि रश नहीं होगा, बड़ी आप देख सकते हैं कितना रश है आज भी ईद के दिन पे भी माशाल्लाह। हमारा लास्ट डे था और मुझे पता चला था कि कुछ 300 रुपये में काफ़ी अच्छी शॉपिंग होती है और सारी चीज़ वहाँ 300 रुपये में मिलती है, एक मॉल है, तो मैंने सोचा चलो वहाँ जाके देख लेते हैं। ये देखिए टॉप 10 मॉल है उसका नाम, और हम यहाँ अंदर जा रहे हैं। इस पे अल्लाह लिखा हुआ है, कहाँ गया? पूरा मॉल ही इसके ऊपर है 13 पर, यानी कि इंडिया के कितने हुए 290, लेकिन अच्छी चीजें हैं माशाल्लाह सारे 290 के। सारे वो से 10 10 रियाल।
जेंट्स के भी, लेडीज के भी, बच्चों के भी। ट्रैक्स ले लो ना, बट फिर तेरा इतना रीजनेबल था ना यहाँ सारी चीज़, और चीज़ें भी अच्छी थी, क्वालिटी भी बुरी नहीं थी, अच्छी चीज़ें थी और अच्छे सस्ते दाम में मिल रही थी। बहुत ही बहुत लोगों ने तो कितना भर भर के लिया, हमें तो ऐसा कुछ खास चाहिए नहीं था, बस अजान के लिए मुझे दिखे तो मैंने ले लिए एक दो ये नाइट सूट के हिसाब से, बाकी तो कुछ लेने जैसा मुझे, और जूते कुछ ऐसे, लेकिन लेडीज़ के भी बहुत ही अच्छे जूते थे, और ये बैग्स वगैरह भी बहुत ही रीजनेबल लगा मुझे ये सारा। बस हमें कुछ ज़्यादा तो चेता नहीं था, वहाँ से निकल चले और यहाँ से आइसक्रीम ले रहे हैं अजान के लिए। थैंक यू, जैसा करना। निकलने के बाद हमने रियलाइज किया, अरे ये तो यही हरम शरीफ है, इसका मतलब वॉकिंग डिस्टेंस ही। और ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है चांद, माशाल्लाह। तो बस हम सोचे कि यहाँ से निकल चले वॉक करते हुए ही हरम शरीफ की ओर। ये कौन सा फूड है? ये किसका है? कोशारी नाम की। कोशारी किसका है ये? कौन सी जगह का फूड है ये? ये एरिया अपन आए नहीं थे। आए 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 आए। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, दिस इज इंडियन रेस्टोरेंट, दोनों आसपास में है और दोनों का खाना अच्छा, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। लेट्स सी, कल हम लोग टेस्ट करेंगे। थोड़ा चलने का भी होता है असल। अरे बहुत चलो, किस बात का चले हो? ये देखो आ गई, हरम शरीफ आ गया और तुम कहाँ है टैक्सी, कहाँ है टैक्सी कर रहे हो? बहुत मुश्किल है ये सारी छतरियाँ एक साथ बंद होना, सारी छतरियाँ माशाल्लाह बंद है। और ये फिर से वही हवा वाला खुशबूदार एयर कंडीशन, ये अजवा है। नहीं नहीं, कलमी है, अजवा नहीं है। हाँ, होल्ड होल्ड स्टोर, ये गोवा जो है। अजवा क्वालिटी क्या है? अजवा क्वालिटी है। हमने खजूरें ली नहीं थी तो हमने सोचा बस ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा आखिरी डे होने वाला है, तो सारा पैकिंग वैकिंग भी करके रख दूँ, तो बस वही खजूर ले रहे हैं यहाँ से। हमारा लास्ट का डे था तो मैंने सोचा फजर से पहले चली जाऊँ, और वहाँ अगर मुझे रियाजुल जन्ना के अंदर जाने का मौका मिलता है तो मैं क्यों गवाऊँ ना। लेकिन पूरा कॉर्डन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, फजर से पहले से मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये हो गई फजर के बाद, ये आप नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन एंट्री नहीं दी उन्होंने। वो कितने घंटे में खड़ी रही, तकरीबन 3-4 घंटे आराम से खड़ी थी मैं वहाँ, लेकिन वो जाने ही नहीं दे रहे थे। लेडीज तो जाने ही नहीं दे रहे थे, जेंट्स को फिर ये जो फजर के बाद उन्होंने एंट्री दी। बट चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं ज़रूर अंदर जाऊँगी। बस फिर मैंने दुआएं मांगी मेरे लिए, जिन लोगों ने बोला था, सब के लिए, कुल मोमिन मुसलमान के लिए अल्लाह सारों की दुआएं कबूल करे। और बस मैं यहाँ से फिर चली गई। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गुंबद, माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं आप, ये साफ़ करने की मशीन है, रोड साफ़ करने की मशीन है। मैंने सोचा क्विकली ले लूँ इसका वीडियो, कितना डिफरेंट है ना। बस आज आखिरी रात है तो रात की ईशा की नमाज़ पढ़ने आए थे हम लोग, और फिर थोड़ा सोचा खाना खा लेते हैं बाहर से। हेलो, मुझे लग रहा है कि चिकन ना कटी हो तो शामिल। ये चिकन, ये मटन वो है, कोरमा। अच्छा, मटन कोरमा निकला ये तो। हमने खा लिया मटन कोरमा, बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह। और ये एरिया कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये देखिए हरम शरीफ है। और बस लास्ट डे, लास्ट नाइट थी इनफैक्ट आप बोल सकते हैं। तो बस हम जा रहे थे हमारी फेवरेट चीज़ खाने के लिए, योगर्ट, जो पिंक बेरी योगर्ट है, मुझे और हम मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है, तो हमने सोचा वो खा लेते। तो एक मॉल में मिलती है, वो वहाँ गए और वहाँ खाए हमने, बहुत ही मज़ा आया। इंडिया में नहीं मिलती, आई विश इंडिया में भी शुरू कर दें वो लोग। और बस हम निकल पड़े उसी दिन रात को, समझिए ना सुबह के 3-4 बजे हम निकले वहाँ से। तो जहाँ जहाँ से निकले वहाँ वहाँ से देखिए हरम शरीफ आपको दिखाई देगा, और आखिरी बार हम सलाम करते हुए निकल पड़े। नाश्ता
नाश्ता किया नहीं था तो सोचा एयरपोर्ट पे नाश्ता कर लेते, वैसे नाश्ते के लिए कुछ था नहीं था, हमने बर्गर खा लिया कहीं बर्गर किंग का। सुबह सुबह नाश्ते में मैंने फर्स्ट टाइम बर्गर खाया है। Let's see if it does have crispy bacon. This looks fantastic. Batao to barabar. ये हुआ ना, ये अपने उसकी जैसा है ना, शो मी। बहुत ही मजेदार, बेकन भी क्रिस्पी है और इनका ये जो बारबेक्यू सॉस है, स्टीक सॉस है, स्टीक सॉस बहुत ही मजेदार है। इस वाले का नाम क्या है? स्टीक हाउस बर्गर। स्टीक हाउस बर्गर, मजेदार है। अगर आप कभी आपको मिले ये बर्गर तो जरूर ट्राई कीजिएगा, मजेदार था एकदम। अनफॉर्चुनेटली हमारी डायरेक्ट फ्लाइट मुंबई की नहीं थी तो अब हम फिलहाल जा रहे हैं शारजा। यहाँ से अब हम फ्लाई हो रहे हैं और ये आ गया हमारा शारजा। बहुत अच्छा एरिया है एयरपोर्ट पे, प्ले एरिया जहाँ बच्चे लोग खेलते रहते हैं, और अच्छा है, वो खेल रहा था और हम लोग बैठे थे वहीं पर ही। सो वो अपना बिजी था, हम हमारा बैठे थे। वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी मैंने अगर खाई है तो वो ये वाली बिरयानी होगी, मैं कहूँ अबू धाबी पे। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस बिरयानी थी। बस हमने पकड़ी हमारी मुंबई की फ्लाइट और हम हो गए लैंड मुंबई में। हमारा देश अपना देश अपना देश होता है, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा मिस करेंगे, और हम लोग बहुत कर भी रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद व्लॉग डाल रही हूँ, तो इतना मिस कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस अल्लाह सुबहाना ताला हम सबको वहाँ जाने का मौका दे, वो मक्का और मदीना उमरा करने का मौका दे, हज करने का मौका दे, इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। क्या सुकून मिल रहा है।